नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आज एक बार फिर से लोगों के साथ अपने मन की बात की और इस मन की बात में भी उन्होंने कई पहलुओं पर बात की, कई मुद्दों का जिक्र किया, माघ महीने का भी जिक्र किया और इस माघ महीने में सरोवरों में स्नान का भी जिक्र किया, बहुत सारे मुद्दों पर बात की। मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ कि किस किस मुद्दे पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी। माघ महीने पर बोले कि माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है और माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई परंपरा जरूर होती है। नदी के तट पर अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। इसके अलावा पानी और पारस से भी महत्वपूर्ण करार दिया पीएम मोदी ने। कहा कि पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए बहुत जरूरी है, विकास के लिए बहुत जरूरी है। और इस मौके पर पानी के संरक्षण की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा ऋतु आने से पहले हमें जल संरक्षण के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश पश्चिम बंगाल के उत्तर दीनाजपुर से सुजीत जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि यह बात सही है कि जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है, नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। फिर पीएम ने संत रविदास का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब भी माघ महीने और इसके लिए आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती है और ये नाम है संत रविदास। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी को संत रविदास ने कहा था कि हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं और हम सभी को एक ही ने गढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक ऐसी चीज भी कही और जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बात हो रही है, जो एक खबर बन चुकी है, और ये बात थी कि मैं तमिल भाषा नहीं सीख पाया, इस बात का मुझे मलाल है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने इस बारे में, वो मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने इस मन की बात में कहा कि कभी कभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते, बहुत सामान्य होते हैं, फिर भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पीएम ने कहा कि कुछ ही दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा जी मुझसे एक उन्होंने ऐसा सवाल पूछा और जिसको लेकर मैं संशय में पड़ गया, जिसको लेकर थोड़ा चिंतित हो गया। सवाल था कि आप इतने साल पीएम रहे, सीएम रहे, कि आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई? पीएम ने कहा कि ये सवाल जितना सहज था उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस पर विचार किया और खुद से कहा कि मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। ये एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल साहित्य की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो हालांकि वॉरियर बनना, वॉरियर नहीं, कोरोना से सावधानी, इन सब मुद्दों पर भी उन्होंने बात की, लेकिन ये जो तमिल वाली बात उन्होंने कही कि मैं तमिल भाषा नहीं सीख पाया, इस बात का थोड़ा मलाल है, ये इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।